दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस आज हम देखेंगे कि आप कोटक न्यू ऐप में एज अ बिगिनर्स निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम कोटक न्यू ऐप को ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करोगे इस तरीके से आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा। बेसिकली जो भी ऐप है एकदम ईजी है, इसमें आप बहुत ईजी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फंड्स में आ जाना है कि आपको कितने रुपीज़ से ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। सो यहाँ पर आपको आना है फंड्स में। इस तरीके से यहाँ पर आपको फंड देखने को मिलेगा। ऐड करने के लिए आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कितने रुपीज़ से ट्रेडिंग करना है यहाँ पर आपको डिपॉजिट कर लेना है। सो बहुत ही ईजी तरीके से डिपॉजिट कर पाओगे UPI से। और गाइस अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट रहेगा तो आप एक क्लिक में यहाँ से आप पैसा ऐड कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट में। यहाँ पे गाइस आपको होम पे निफ्टी 50 बाकी अदर इंडेक्स भी देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। सभी इंडेक्स का आप ईजिली यहाँ पे एक क्लिक में ऑप्शन चेन देख सकते हो। सो सबसे पहले तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट देख लेना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि डाउन जा रहा है। उसके हिसाब से फिर आप पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन को बाय सेल करोगे। सो यहाँ पे जो भी कैंडल आ रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसका आपको चार्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइस अगर आपको रोटेट में नहीं देखना है तो जो भी मोबाइल का यहाँ पे आप देखोगे इस साइड में सिंबल आ रहा है रोटेट का, इस पर आप क्लिक करके इसको आप सीधा भी कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख सकते हो, इजीली एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की साइड में मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा रहा है। सो यहाँ से हम एक कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड बाकी जैसे मार्केट अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर आप पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। सो गाइस ऐसे यहाँ पे आपको चार्ट को एनालिसिस वगैरह कर लेना है। और अगर आपको चार्ट एनालिसिस समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आपको चार्ट को सीख लेना है एनालिसिस कैसे करते हैं। एकदम बेसिक से आपको यूट्यूब वीडियो देख लेना है तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो गाइस जो भी चार्ट है यहाँ से आप टाइम फ्रेम वगैरह भी चेंज करके इसमें देख सकते हो। अभी गाइस यहाँ पर हम चलेंगे सीधा ऑप्शन चेन में। ऊपर भी यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो सीधा यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाओगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इस साइड में कॉल ऑप्शन देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन को आप तभी बाय करोगे जब मार्केट ऊपर जाएगा। एंड बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा ऑप्शंस का। एंड इस साइड में आपको पुट ऑप्शन देखने को मिलेगा। पुट ऑप्शन को आप तब बाय करोगे जब मार्केट गिरेगा। बाकी इस बीच में आपको निफ्टी 50 का प्राइस देखने को मिलेगा कि आज मार्केट कितना बुलिश है और कितना बेयरिश है। सो यहाँ पे आप देखोगे आज मार्केट यहाँ पे वैसे न्यूट्रल है, ना तो ज़्यादा बुलिश है और ना ज़्यादा बेयरिश है। अभी जैसे यहाँ पे हमने चार्ट में देखा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको एक कॉल ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखा देता हूँ। बाकी आप सेम तरीके से फिर पुट ऑप्शन में भी कर सकते हो। अभी इस यहाँ पे मैं डेमो के लिए एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे जो 22,950 का कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम चालू है 10 रुपये। इसी को यहाँ पे मैं डेमो पर्पज के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे इस तरीके से आपके सामने बाय का और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमें बाय करना है, यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने ऊपर ओवरनाइट का ऑप्शन आएगा और इंटरडे का आएगा। सो जो भी ऑप्शन है इसको अगर आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है तो यहाँ से आप ओवरनाइट में इसको बाय करोगे। और इंटरडे अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर जो भी ऑप्शन रहेगा इसको आपको सेम डे स्क्वायर अप करना पड़ेगा। और इस इंटरडे में आपको एक और एडवांस ऑर्डर देखने को मिल जाता है जो कि रहता है ब्रेकेड ऑर्डर। तो ब्रेकेड ऑर्डर में आप एक साथ में टारगेट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल वगैरह भी यूज कर सकते हो। नीचे गाइस यहाँ पर आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ से आप अपने हिसाब से जो क्वांटिटी रहता है शेयर से रहता है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एक लॉट में इसका 25 शेयर्स होता है। एंड बाकी इस पहले यहाँ पे 50 होता था बट अभी यहाँ पे कम हो गया है। सो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस हर कोई के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। सो स्टार्टिंग में आप एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। एंड बाकी इस जो भी लाइन आ रही है इस पर आप क्लिक करके मार्केट डेप्थ भी देख सकते हो कि कितना सेलर्स है और कितना बायर्स है। एंड बाकी इस नीचे यहाँ पर आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट ला के बाय कर सकते हो आप, और इसको आप मार्केट पे भी बाय कर सकते हो। मार्केट पे क्या रहेगा कि जो भी इसका करंट प्राइस चालू रहेगा उसी पे इमीडिएटली बाय हो जाएगा। एंड बाकी जो एसएल लिमिट वाला और एसएल मार्केट वाला ऑप्शन है इसको आप तब यूज करते हो जब आपको कोई भी ऑप्शंस को हायर प्राइस पे बाय करना रहता है। जैसे अभी इसका 10 प्राइस चालू है और इसको अगर आपको 15 पे बाय करना है तो यहाँ से आप एसएल लिमिट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। और बाकी जो लिमिट वाला ऑप्शन है इसको आप तब यूज करते हो जब आपको कोई भी ऑप्शंस को कम प्राइस पे बाय करना रहता है। जैसे अभी इसका 10 प्राइस चालू है और इसको अगर आपको मान लीजिए 8 पे बाय करना है, फिर 5 पे बाय करना है, तो यहाँ पर फिर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। चलिए यहाँ पर मार्केट ही करेंगे। और गाइस यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पर आपको एस्टीमेट चार्जेस भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे चार्जेस निकल के आ जाएगा। उससे यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे 0 ब्रोकरेज लग रहा है। एंड टोटल चार्जेस की बात करें जो कि गाइस यहाँ पे आप देखोगे 0.15 पैसे का चार्जेस लग रहा है। यानी कि आप सोच सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग आप एकदम कम चार्जेस में यहाँ से कर सकते हो कोटक न्यू ऐप के जरिए। सो गाइस इतना कम चार्जेस आपको कोई भी ऐप में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें 0 ब्रोकरेज का ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिल जाता है। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आपको नीचे मार्जिन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। सो इस पर आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे मुझे 248 रुपये लग रहा है इस ऑप्शन को बाय करने के लिए।
अभी बाय करने के लिए यहाँ पे आपको नॉर्मली स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, तो जो भी आपका ऑर्डर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी कैसे यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन था बाय हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको फिर पोजीशन में देखने को मिलेगा। उससे यहाँ पे हम चलेंगे पोर्टफोलियो में। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उस ऑप्शन में आपको कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। एंड बाकी कैसे यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस भी देखने को मिल जाता है कि आपने इसको कौन सी प्राइस पे बाय किया है। और गाइस आप इसी जगह से इस ऑप्शन में आप टारगेट SL वगैरह भी लगा सकते हो। सो यहाँ पे आपका टारगेट ऑर्डर लग जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा ऑर्डर है कंप्लीट भी हो गया है, क्योंकि डालते यहाँ पे 10 का प्राइस पहुँच गया था। सो यहाँ पे हमारा टारगेट ऑर्डर भी हिट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ₹14 का इसमें प्रॉफिट बुक हो गया है। एंड बाकी इस यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर से दिखाऊँ। सो गाइस यहाँ पे आप देखो क्लोज ऑर्डर में आ गया है 10 प्राइस के। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस था कंप्लीट हो गया है, सेल ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको फुल डिटेल्स में बता दिया है। एंड बाकी गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और गाइस जो भी कोटक न्यू ऐप है इसको अगर आपको ओपन करना है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।